नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा आयु शक्ति हेल्थ योग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मोटापा कम करने के लिए कुछ योगासन और टिप्स बताऊँगी। जब तक मोटापा कंट्रोल में रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब मोटापा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है तो उस वक्त टेंशन होने लगती है, और टेंशन होना लाजमी है क्योंकि जब मोटापा आता है तो वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को भी लेकर आता है। तो मोटापा बढ़ने के साथ घुटनों में दर्द होना, बीपी हाई होना, डायबिटीज़ रहना, इस तरह की बीमारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो आज हम मोटापे को कम करने के लिए ही कुछ योगासन करेंगे, तो देखते हैं वो कौन कौन से योगासन हैं। तो सबसे पहले करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए पैरों में रखेंगे 1 से 1.5 फीट का फासला, और लेफ्ट हैंड आपकी जंघा के साथ सटा रहेगा, और राइट हैंड को उठाएंगे, कान से सटाते हुए ऊपर ले जाएंगे, और गहरा सांस भरेंगे, साइड में झुकते जाएंगे, लेफ्ट साइड झुकते जाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप झुक सकते हैं। अपना पोस्चर सीधा रहना चाहिए, और सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। अब साइड चेंज करेंगे, गहरा सांस भरेंगे, राइट हैंड को जंघा से लगा के रखेंगे, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे और ले जाएंगे बिल्कुल सीधा कान के पास। और झुक जाएंगे राइट साइड में, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रुक सकते हैं क्षमता के अनुसार रुकेंगे, फिर सांस रिलीज करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन को अगर आप रोज़ाना 10 से 20 बार करेंगे तो निश्चित रूप से मोटापा आपका कम होने लगेगा, और जो साइड में फैट बढ़ जाता है कमर के, वो शेप में आने लग जाएगी। अब करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए रखेंगे पैरों में 6 इंच का फासला, तो दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, और सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे आगे की ओर। पंजों को छूना है, और सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर गहरा सांस भरेंगे, सांस रिलीज करते हुए झुक जाएंगे आगे की ओर, रुकेंगे क्षमता के अनुसार, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे, वापस आएंगे। इस आसन को भी अगर रोजाना आप 10 से 20 बार करेंगे तो बहुत जल्दी आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी। अब करेंगे पादचक्रासन। पादचक्रासन के लिए पीठ के बल लेट जाएंगे, अब गहरा सांस भरेंगे, पादचक्रासन में बहुत बड़ा शून्य बनाएंगे। इसके लिए अपने राइट लेग को उठाएंगे और पूरा गोल घुमाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा गोल घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 5 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। प्रयास करें कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। तो लेफ्ट लेग उठाएंगे और घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और फिर क्लॉकवाइज 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर गहरा सांस भरेंगे, दोनों पैर एक साथ मिला करके घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यह हमें 5 टाइम करना है, लेकिन अगर आप 5 टाइम नहीं कर पाते तो शुरुआत में इसको 3 टाइम्स ही कर लें, और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ाएं। अब आ जाएं पेट के बल, करेंगे धनुरासन। धनुरासन के लिए हमें अपने दोनों पैरों को उठाना है, गहरा सांस भरेंगे और दोनों पैरों को उठाएंगे, और हाथों से टखनों को पकड़ेंगे और उठा देंगे शरीर को आगे और पीछे से एक साथ, और धीरे धीरे सांस रिलीज करते हुए वापस आएंगे। तो आज जितने भी योगासन मैंने आपको बताए हैं मोटापा कम करने के लिए, ये सब एक से एक बढ़कर हैं।
क्योंकि इसमें आपकी जो कमर है वो भी शेप में आती है, आपकी पेट की चर्बी भी कम होती है, और जब आप पाद चक्रासन करते हैं तो जो आपके थाई पर फैट बढ़ गया है वो भी कम हो जाता है, और हिप के पास जो फैट बढ़ा है वो भी कम हो जाता है, और पेट की चर्बी भी कम होती है। और जब हम करते हैं धनुरासन, तो धनुरासन को करने से पेट की चर्बी तो कम होती ही है, और साथ में आपकी जो कमर में लचक बढ़ती है और थाई से भी फैट कम होने लगता है। तो अगर आप ये रोज़ाना ये आसन करने लगेंगे तो बहुत जल्दी फैट कम होगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शुरुआत में ही आपको इसे 10-10 बार नहीं करना है या 20 बार नहीं करना है। शुरुआत हमें इसकी 2-2 चक्र से ही करनी है, क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन इसको ज़्यादा कर लिया तो नेक्स्ट डे तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर शरीर में आपको पेन फील होगा। इसलिए इसकी शुरुआत 2-2 चक्र से ही करिएगा, और धीरे धीरे फिर 3, 4, 5 इस तरह से करते करते आप 10 और 20 बार करेंगे, और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में चमत्कार फील होने लगेगा, आपका मोटापा बहुत ही जल्दी कम होने लगेगा। तो अब बारी है आज के टिप्स की, तो देखते हैं वो टिप्स कौन सा है जिसको करने से मोटापा और भी जल्दी कम होने लगेगा। तो इसके लिए हमें लेना है 1 गिलास पानी, तो ये पानी आप कांच के गिलास में लें, और उसके अंदर हमें 1/2 नींबू काट करके डालना है, छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है, और 3 लहसुन की कली छील कर कूट करके डालनी है, और 1-5 ग्राम का अदरक का टुकड़ा क्रश करके उसमें डालना है। तो इसको आपको पीना है सुबह सुबह खाली पेट। तो जब आप सुबह इसको पिए तो तेज़ गर्म पानी में इनको डाल करके रख दें, 15 मिनट के लिए ढक दें, और जब पानी हल्का गर्म रह जाए तो घूंट घूंट करके आप इसको पी लीजिए। अगर आप चाहें तो रात में भी इसको पानी में डाल करके रख सकते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि रात को डालने से सुबह आपको आसानी हो जाएगी। सिर्फ पैन में डाल करके उसको गर्म करना है और छान कर उसको घूंट घूंट करके पीना है। तो जैसे भी आपको आसानी लगे आप वैसे ही कर लें, चाहे रात को डाल के रख दें और चाहे सुबह 15 मिनट के लिए पहले डाल के रख दें। और अगर रात को भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह डाल कर रख लें। इस तरह से अगर आप इसको रोज़ाना पियेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका फैट कम होने लगा है, ऑल ओवर बॉडी से फैट घटने लगा है। तो आप मोटापा कम करने के लिए योगासन के साथ साथ अगर इस टिप्स को भी आजमा लेंगे तो मोटापा कम होने में कम समय लगेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसका लाभ दूसरे भी उठा सकें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।